सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि सभी प्रकार की स्किन एलर्जी के बारे में, सभी प्रकार की स्किन एलर्जी और यही दवाई आपको पेट के रोग में, जैसे कि गैस हुआ, एसिडिटी हुई, गैस का बनना हुआ, खट्टी डकारें आती हूं, तो उसमें भी ये बहुत जबरदस्त काम करने वाला योग है और ये बहुत अच्छा योग है। इसको आप इस्तेमाल करके अपनी ये समस्या तो सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आपको चर्म रोग है, किसी प्रकार का दाद, खाज, खुजली या खून में कोई टॉक्सिन जमा हो गया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। खून को साफ करने के लिए ये जड़ी बूटियां बहुत ही माहिर हैं। तो दोस्तों, मैं फिर आपको कहूंगा, अगर किसी भाई को गुर्दे में पथरी या पित्त में पथरी है या पाइल्स है, सुगर है, थायराइड है, ऐसे लोग निशुल्क सलाह लें। मेरा नंबर है 9451479641, यानी कि 9451479641। आपको दवाइयां बता दी जाएंगी, आप चाहे तो घर पर दवाई बना लें, और अगर नहीं बना सकते हैं तो आपको बनी बनाई दवाएं भी उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाने लगा है कुछ दिनों से। तो इसके लिए आपको खून अगर साफ करना है, एलर्जी है, पेट में गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, खुजली है, दाने हैं, किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी है, तो इसके लिए आपको छोटा सा योग मैं बताने जा रहा हूं, लिखना शुरू कर दीजिएगा। नंबर एक पर है मंजीठ। मंजीठ आपको किसी भी पंसारी की दुकान में प्राप्त हो जाएगा। मंजीठ आपको लेना है 60 ग्राम। मंजीठ आपको लेना है 60 ग्राम और पुदीना लेना है आपको 25 ग्राम। पुदीना आपको लेना है 25 ग्राम और आपको काली मिर्च लेना है 15 ग्राम। आपको इन तीनों चीजों को जितना हो सके महीन कूट लें। जितना ज्यादा महीन कूटेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा ये दवाइयां आपकी काम करेंगी। कूटने के बाद इसकी मैं किस तरीके से आपको खाना है, इसकी खुराक मात्रा मैं आपको बता देता हूं। इन सभी को कूटने के बाद एक अच्छा सा पाउडर बना लें और इसकी मिकदार है 5 ग्राम। आपको 5 ग्राम, जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं, तो आपको चाय का पूरा मटेरियल डालना है, केवल चाय की पत्ती नहीं डालना। पानी को बॉयल करने के लिए, पानी को बॉयल करें, उसमें ये चूर्ण आप 5 से 6 ग्राम डाल दीजिएगा और जब खूब पक जाए फिर उसके बाद दूध डालकर अच्छे से पका लीजिएगा और चाय पूरे घर को पिलाइएगा। किसी भी तरीके से नुकसान नहीं। अगर आपका रक्त शुद्ध होगा तो आपका रंग भी अच्छा होगा, गोरा न्यारे निकल आएंगे आप। तो आपको स्किन एलर्जी, गैस, एसिडिटी, पेट अगर नहीं साफ होता है तो इन चीजों में ये बहुत रामबाण है। एक इसके साथ में यह है कि आपको कम से कम सुबह शाम 2 टाइम इसकी चाय बनाकर आपको पीनी है। अब आपको परहेज भी मैं बताता चलू। परहेज के लिए आपको क्या करना है, आपको चावल, उड़द की दाल, भाटा, ऐसी बहुत सारी जो बादी चीजें हैं उनका सेवन आप बिल्कुल से बंद कर दीजिएगा। चलते चलते एक बार फिर मैं आपको अपना नंबर बता दूं। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक दें कि हमको ये बात सर समझ में नहीं आई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर मिलेगा। और चाहें तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9451479641 9451479641 पर कॉल भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैं फ्री सलाह देना पसंद करूंगा। अगर आप चाहें अपने घर में दवाएं बना लें, चाहें तो दवाएं मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिएगा, काली मिर्च, पुदीना और मंजीठ। मंजीठ की मात्रा भी मैंने बता दी, पुदीने की मात्रा भी बता दी है और हमने काली मिर्च भी बता दी है।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।